अल्लाम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं फ्रेंड्स आज हम बात करने लगे हैं एमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान पे एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान क्या चीज़ होती है और इसका मकसद क्या होता है आ, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब कोई हादसा हो जाता है या कोई एमरजेंसी पेश आ जाती है तो एमरजेंसी प्लान जो होता है उसके तहत इसको कंट्रोल किया जाता है तो इसमें एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है उसको प्रिपेयर किया जाता है जिसमें उसका पर्पस उसका स्कोप उसका ऑब्जेक्टिव और ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं उसके तहत इसको फॉलो किया जाता है फिर एक उसका लेआउट आउट तैयार किया जाता है साइट पे इमरजेंसी पूरी जो आपकी साइट होगी जो वर्क प्लेस होगी उस पर एक उसका लेआउट आउट तैयार किया जाएगा कि अगर से इमरजेंसी हो जाती है तो हम किस तरह उस पूरे मैप को जो लेआउट होगा उसको फॉलो करके हम एवेक्यूट कर सकते हैं तो इसमें जो सबसे अहम रोल होता है जिन लोगों का उसमें इंसिडेंट कमांडर होता है जो कि साइट का इंचार्ज होता है ठीक है उसे इंसिडेंट कमांडर कहते हैं और जो इंसिडेंट कोऑर्डिनेटर होता है वो सेफ्टी ऑफिसर होता है इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के मामला कंट्रोल करने वाला जो पर्सन होता है आ, वो इनकेस जब बंदा इंजर्ड हो जाता है या उसे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होती है तो वो कॉन्टेक्ट करेगा मेडिकल टीम को तो उसको मेडिकल एड प्रोवाइड की जाएगी और इसके अलावा अगर साइट पे कोई इमरजेंसी होती है तो आ, सबसे पहले ईसीसी इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर जो है वहाँ पे कॉल करके आगाह किया जाता है कि जी फ़ला लोकेशन पे ये इंसिडेंट हो गया तो एमरजेंसी सेंटर के अंदर बैठा हुआ बंदा जब कॉल रिसीव करेगा वो डिटेल सारी लेगा जी लोकेशन कौन सी है टाइप ऑफ इंसिडेंट किस तरह का है और के टाइम जो किस टाइम पे हुआ और कितने लोग उसमें अफेक्ट हुए लोकेशन हाइट थी ग्राउंड लेवल थी किस तरह की तो ये सारी डिटेल उसमें वो आपसे पूछेगा तो इसमें जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं उनका जो रोल है वो यही है कि इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके एमरजेंसी रेस्पांस को फुल फिल किया जाए तो जब एमरजेंसी हो जाती है साइड पे तो हूटर बजता है सायरन बजता है उसको सुनते ही आप एमरजेंसी असम्बली पॉइंट जो है उसकी तरफ़ प्रोसीड करेंगे जैसे मस्टिंग पॉइंट भी कहते हैं वहाँ पे कुछ कंपनीज के अंदर ये सिस्टम होता है कि टी कार्ड सिस्टम बना होता है आपने अपना अ, नाम का टी कार्ड निकालना है एक बोर्ड से निकाल के इन वाले से निकाल के आपने मस्टिंग पॉइंट वाला जो बोर्ड है उसमें लगाना है और एमरजेंसी असम्बली पॉइंट पर खड़े हो जाना है जहाँ okay. <clears throat>、uh जब ऑपरेशन शुरू किया जाएगा जिस लोकेशन पे भी जगह पे भी जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे जो रेस्क, रेस्क्यू करने वाली टीम है आ, या उस ऑपरेशन को कंडक्ट करने वाली जो टीम है अगर कोई इंजर्ड बंदा है या कोई अनकॉन्शियस हो गया है या फॉल फ्रॉम हाइट या फायर एमरजेंसी हो गई है तो वहाँ से आ, उस बंदे को एविकेट करना है और फिर एमरजेंसी को डील करते हुए आपने उसे मेडिकल सेंटर लेके जाना है मेडिकल एड के लिए तो जितने भी जितनी भी मैन पावर लगी होगी कामकारी होगी उस जगह पे तो आपने एमरजेंसी असम्बली पॉइंट पे जमा होना है और फिर आपका हेड काउंट होगा हेड काउंट काउंट होने के बाद जब देखा जाएगा कि जी जो अफेक्टेड लोग हैं जो अफेक्ट अफेक्ट हुए हैं वो हमने एवोकेट कर लिए हैं और वो है आ, मेडिकल के लिए आ, मेडिकल आ, ए, मेडिकल सेंटर में पहुंचा दिए गए हैं या जहाँ पे भी आ, मेडिकल आ, की फैसिलिटी मौजूद होगी तो उसके बाद जितनी बीमारी मैन पावर है वो सेफ़ है तो हेड काउंट होने के बाद आ, फिर जो एमरजेंसी कंट्रोल सेंटर के अंदर बैठा हुआ बंदा आ, वो आपको जो रेस्पॉन्सिबल है हर चीज़ आपको वन बाई वन बताएगा कि जी अब यह सूरत आल है अब यह सूरत्याल है बंदे को एवोकेट कर लिया गया है बंदे को लेके जा रहे हैं बंदे को क्लिनिक पहुँचा दिया गया है तो ए, इतने लोग अफेक्ट हुए हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ना साइड पर जो इंसिडेंट कमांडर है जो कॉर्डिनेटर है उससे ले कर जोर अमर, एमरजेंसी असम्बली पॉइंट पर बंदा जो कॉर्डिनेट कर रहा होता है उसको पहुँचाता है तो फिर वो हेड काउंट कर चुका होता है तो वो बता देता है कि जी इतनी मैन पावर हमारी सेफ है तो उसके बाद फिर जब सारी चीज़ को मेक श्योर sure कर लिया जाता है कि जी अब इसके अलावा और कोई बंदा अफेक्टेड नहीं है कोई मिसिंग पर्सन नहीं है तो ऑपरेशन सेफली कंडक्ट करने के बाद बता दिया जाता है कि जी ऑपरेशन इज़ ऑल क्लियर ऑल क्लियर कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी साइट पे चले जाते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब इमरजेंसी होती है जब सायरन बचता है ठीक है तो उस वक्त आपने इमरजेंसी असम्बली पॉइंट पे, पे जब पहुंचना है तो अपना जो इक्विपमेंट है ये टूल है उसको बड़े ही आराम से आ, आपने पैनिक नहीं होना उसको आराम से स्विच ऑफ करने के बाद उसी जगह पे आ, प्लेस करने के बाद रखने के बाद आपने इमरजेंसी असम्बली पॉइंट की तरफ आ, जाना है ठीक है और वहाँ पे पहुंचना है तो इसमें वो इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट या रूट्स यूज़ करने है जो designated हैं जो डेजिग्नेटेड हैं डेजिग्नेटेड रूट्स को यूज़ करने करते हुए आपने एमरजेंसी पॉइंट पॉइंट की की तरफ तरफ और मस्टिंग बढ़ना है है ठीक तो जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे एमरजेंसी के हवाले से इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं डायरेक्शनल सा, हैं इसके अलावा एमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स हैं वो आपको अपने एरिया के अंदर जहाँ पे आप काम करें आपको पता होने चाहिए कि इन केस ऑफ हमने फला फल जगह को यूटिलाइज करते हुए एमरजेंसी असम्बली पॉइंट की तरफ बढ़ना है तो एमरजेंसी रेस्पांस प्लान जो होता है या जो एमरजेंसी होने की सूरत में उसको फेस आउट करना होता है ठीक है इसकी एक मुकम्मल मलूम हर वर्कर को हर पर्सन को होनी चाहिए जो साइड पे काम कर रहा होता है ताकि आप किसी बड़े हादसे से किसी बड़े इंसिडेंट से बच सकें और इमरजेंसी होने पे उसको बेहतर तरीके से रेस्पॉन्ड कर सकें तो एक स्किलफुल एक क्वालिफाइड बंदे एक एक क्वालिफाइड वर्कर का एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर का जो एक रेस्पॉन्स होता है एमरजेंसी की सूरत में वो शो करता है कि जी वो एक इंडस्ट्री का एक एक्सपीरियंस्ड और स्किलफुल पर्सन है तो अगर कोई आपके साथ फ्रेश बंदा भी काम कर रहा है तो उस उसको भी आपने इंस्ट्रक्शन दे के एमरजेंसी असम्बली पॉइंट पे लेके जाना है और उसको बताना है कि जी ये ये जगह हैं ये ये रूट्स हैं ये ये एग्जिट पॉइंट्स हैं जहाँ से हमने होते हुए एमरजेंसी असम्बली पॉइंट की तरफ़ पहुँचना है ताकि हम मज़ीद किसी बड़ी कैजुअलिटी से किसी बड़ी इंजरी से या इंसीडेंट से बच सकें तो ये था एमरजेंसी से रिलेटेड अहम चीज़ें जो कि मैंने बताई